मंजिलें उन्हें को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। आज उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा संख्या पद्धति भाग 3 के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें आपको 10 क्वेश्चन बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ने पर संख्या के 5 गुने से 5 क्रम प्राप्त होता है। जी हाँ, कह रहा किसी संख्या, तो मान लो वो संख्या क्या है, x है, तो माना संख्या क्या होगी, x है, माना संख्या बराबर x। अब क्या कह रहा, x किसी संख्या मतलब x के कितने गुने, 4 गुने में 10 जोड़ेंगे तो 4x में कितना करेंगे, 10 जोड़ देंगे। इसके बाद प्राप्त क्या होता है, संख्या के मतलब यही x के 5 गुने से, कितने 5 गुने से, यानी 5 का गुणा होगा और माइनस 5 यानी 5 कम होता है। तो ये मिलेगा 4x प्लस 10 बराबर कितना होगा, 5x माइनस 5 होगा। अब देख लीजिएगा, ये आपका 5 इधर आ जाएगा, ये इधर जाएगा, तो 5x माइनस 4x बराबर 10 प्लस 5, तो ये कितना मिलेगा, x बराबर 5, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला सवाल आपका कह रहा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए नंबर। इसके बाद कह रहा राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है, नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, यदि तीनों का भार 103 किलोग्राम हो तो राम का भार क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा राकेश का भार राम के भार से, और यहाँ भी कह रहा है राम के भार से, तो तुलना राम से की जा रही है, तो मान लेते हैं, माना राम का भार क्या होगा, x होगा, राम का भार बराबर x किलोग्राम। और जब x किलोग्राम आ गया तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे राकेश राजेश का निकाल लेंगे, तो राजेश का जो भार आएगा तो कितना होगा, राम के भार से 5 किलोग्राम कम, तो राम के भार में 5 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार आप नेहा का निकालेंगे, तो नेहा का जो भार आएगा वो क्या है, 1-3 किलोग्राम अधिक है, तो x प्लस 3 kg आ जाएगा, और तीनों को जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 103। तो x माइनस 5 प्लस x प्लस 3 बराबर कितना मिलेगा, 103 किलोग्राम। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसे हमें सॉल्व करना, तो 1-2-3 x आ जाएगा, और ये दोनों घटेगा तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 बराबर 103, इधर जाएगा कितना हो जाएगा, 105 आएगा, तो x बराबर यहाँ पे 105 में 3 का क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 35 किलोग्राम। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, चौथा ऑप्शन। इसी के बाद हमारा अगला सवाल आ रहा है, अगला सवाल क्या दे रहा है, चौथा नंबर दे रहा है। चौथा नंबर में क्या बोला गया है कि एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है, इसका 5/8 भाग एक परिवार द्वारा लिया गया, 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने लिया, शेष दूध को 20 लीटर बनाने हेतु दूध की कितनी मात्रा डाली जाएगी। तो जी दोस्तों, इसमें दूध के पास 40 लीटर है, तो दूध वाले के पास 40, कुल दूध कितना है, कुल दूध बराबर 48 लीटर। ठीक है, अब एक परिवार वाले ने कितना लिया, तो परिवार द्वारा लिया गया दूध बराबर कितना होगा, बताइए, 48 का 5/8, तो 5/8, 8 × 48, 56 से 30 लीटर इन्होंने ले लिया। अब 3 लीटर दूसरे परिवार वाले ने लिया,
दूसरे परिवार वाले ने जो दूध लिया वो कितना लिया, 3 लीटर लिया, ठीक है। तो कह रहा शेष दूध को 20 लीटर बनाने के लिए कितनी दूध, तो कुल दूध खर्च कितना हुआ, तो 30 लीटर ये खर्च हुआ, 3 लीटर ये, तो कुल कितना खर्च हुआ, 33 लीटर। तो शेष दूध कितना बचेगा, पहले ये निकालेंगे, जब शेष दूध निकालेंगे तो 48 में आपको 33 क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 48 में 33 घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 8 7 15, यानी 15 लीटर आ जाएगा। और 15 लीटर में हमें 20 लीटर बनाना है तो कितने लीटर की ज़रूरत पड़ेगी, 5 लीटर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। शेष दूध हमारे पास 15 लीटर है और उसमें हमें क्या करना है, 20 लीटर बनाना है, तो 20 लीटर बनाने के लिए हमें कितने लीटर की ज़रूरत पड़ेगी, 5 लीटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद हमारा अगला सवाल आ रहा है, एक टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है, एक टंकी में 45 लीटर पानी, ये कोई टंकी है उसमें जो पानी आता है वो 45 लीटर आता है, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, टंकी का 3/5 भाग पानी से भरा हुआ है, ठीक है। टंकी का भरा हुआ भाग कितना है, तो भरा हुआ हुआ भाग बराबर कितना है, टंकी का 3/5 यानी 45 का 3/5, तो 45 नौत्रिक 27 लीटर पानी इसमें क्या भरा है, इसमें से 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया, जब 27 लीटर है तो 5 लीटर खर्च गया, तो शेष पानी क्या बचेगा, तो शेष पानी जो बचेगा वो कितना आएगा, 27 में से कितना घटा देंगे, 5 लीटर, तो 5 लीटर आप घटाएंगे तो कितना चला जाएगा, ये 22 लीटर बचेगा, ठीक है। ये टंकी में 5 लीटर पानी, अब इस टंकी में कितना पानी और डाला जाए कि यह पूरी तरह से भर जाए, तो भाई पूरा 45 लीटर आता है, अब उसमें कितना पानी बचा, शेष 22 लीटर बचा है, और 45 लीटर टोटल आता है तो और ज़रूरत कितने पड़ेगी, 45 में से हम 22 लीटर क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 लीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 23 लीटर पानी आपकी आवश्यकता पड़ेगी, जब जाके टंकी आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से भर जाएगा, ठीक है। यानी 45 लीटर की एक टंकी है, उसमें भरा हुआ पानी कितना है, भरा हुआ पानी 3/5 भाग भरा हुआ है, तो 45 का 3/5 निकालेंगे, 27 लीटर आएगा, 5 लीटर पानी प्रयोग में लाया गया, तो शेष पानी कितना बचेगा, 27 - 5 यानी 22 लीटर बचेगा। अब टंकी को पूरी तरह भरना है तो 45 में से 22 घटाएंगे तो 23 लीटर, मतलब 23 लीटर फिर लगेगा। इसके बाद हमारा अगला सवाल आता है, ये जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तब वह संख्या घटकर अपनी 60% हो जाती है, तो संख्या क्या है, संख्या क्या है, x है, कह रहा किसी संख्या के से 32 घटाया जाता, तो इसमें आपको क्या करना, 32 घटाएंगे तो संख्या घटकर कितना हो जाता, अपनी मतलब x का 60% हो जाता है। सवाल जैसे कह रहा वैसे पढ़ेंगे और लगाते चले जाएंगे, तो x माइनस कितना आएगा, 32 बराबर, तो x गुणते 60% चिन्ह हटाते हैं तो हमेशा 100 का भाग करते हैं, 0 0 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, x माइनस 32 बराबर, ये कितना बचेगा, इसे काटो 2 से तो 3 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा, तो ये कितना आएगा, 3x/5 आ जाएगा। अब ये इधर गुणा कर दो तो कितना होगा, 5x माइनस 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 1 = 16, 160 बराबर कितना के, 3x। अब ये इसको इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये 5x - 3x बराबर कितना मिलेगा, 160, तो इसको घटाएंगे कितना आएगा, 2x बराबर कितना, 160, 2 का भाग दीजिए कितना आएगा, 80, मतलब संख्या क्या है, 80 होगी, तो हमारी संख्या क्या है, 80 है। इसके बाद अगला सवाल हमारा दे रखा है, ठीक है, तो अगला सवाल क्या है, 3 लगातार सम संख्याओं का योग कितना है, 90 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या के 1/4 और बड़ी संख्या के 2 गुने के बीच का अंतर क्या है। 3 लगातार सम संख्याओं, तो 3 लगातार जब सम संख्या मानेंगे तो एक x मानेंगे, दूसरा x+2 मानेंगे, तीसरा x+4 मानेंगे, क्योंकि सम संख्याओं में हमेशा 2 2 का अंतर होता है,
तो इसके बीच अंतर दो, इसके बीच अंतर कितना होना चाहिए, दो का होना चाहिए, और इन सभी का योगफल कितना 90 है। तो इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ डालेंगे बराबर कितने के, 90 के। ठीक है, जब 90 के आ जाएगा तो अब इसमें x का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो जब x का मान निकालें कितना, 1, 2, 3, मतलब 3x + 4, 2, 6 बराबर 90। तो 3x बराबर 90 में से 6 घटाएंगे तो ये बनेगा 84 आ जाएगा। ठीक है, 84 6 90। तो अब इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 से काटेंगे, 3 1 3 2 3 8 24, मैं 3 1 3 2 9 6 होगा और 3 8 24, 28 3 94। तो x बराबर कितना आया आपका, 28 आया। तो अब इसमें कह रहा है उनमें से सबसे छोटी संख्या की 1/4, तो छोटी संख्या 28 होगी, छोटी संख्या की 1/4। ठीक है, तथा बड़ी संख्या के दोगुने के बीच में अंतर क्या होगा, बड़ी संख्या क्या होगी भाई, छोटी संख्या 28 के बाद 28 में जोड़ोगे 29, 30, 30 में फिर जोड़ोगे 32 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 32 का कितने गुना, 2 गुने, तो 2 गुना कर डालो। तो अब इसे घटाएंगे, ये 7 4 28 7 आ जाएगा, माइनस 32 2 9 64। ठीक है, अब इसमें क्या कहें, 64 में अगर 7 घटा देंगे तो ये आएगा 57, कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा माइनस में, बट हमें माइनस नहीं लेना क्योंकि माइनस नहीं है। ठीक है, अंतर छोटी से बड़ी में निकाला जाता है, हमने सीरियल निकाल दिया है। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, इसमें किसी दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों के स्थान परिवर्तन बनने वाली संख्या का अंतर 54 है, तो मूल संख्या के दोनों अंकों का अंतर क्या होगा। ये आपका बिल्कुल आसान ट्रिक है, जब भी इस टाइप का कभी भी सवाल आ जाए, अंतर वाला आ जाए, तो हमेशा जो याद रखना, दो अंकों की कोई भी संख्या हो, उनके जो दो अंकों की संख्या बनी है, दो अंकों की संख्या, ठीक है, ये दो अंकों की संख्या होनी चाहिए, और साथ में इनके स्थान बदल जाए तो बनने वाली जो संख्या होगी, उन दोनों का अगर अंतर दिया है तो अंतर में हमेशा 9 का भाग दे देंगे, तो संख्याओं का अंकों का अंतर आ जाता है। तो 54 में आपको कितने का भाग देना है, 9 का। ठीक है, जब 9 का देंगे तो 9 6 54, इसका आंसर कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला सवाल हमारा दिया हुआ है, दो संख्याओं का योग 30 है, उनका गुणनफल 200 है, तो संख्याओं का बीच अंतर क्या निकालना, जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा दो संख्याओं का योगफल कितना है, 30 है, तो कर लेते हैं x + y बराबर कितना, 30 दिया है, उनका गुणनफल मतलब xy बराबर कितना दिया है, 200 दिया है, उन संख्याओं के बीच का अंतर निकालना है, अंतर निकालना मतलब x - y निकालना है। तो x - y बराबर होता है, एक सूत्र होता है, अंडर रूट x + y का होल स्क्वायर माइनस 4xy। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, तो x + y 30 है, तो 30 का वर्ग कर डालो, माइनस 4 × 200, तो 30 3 900, माइनस 30 का गुणा 30 बार, और 4 2 9 800। ठीक है, 800 आ जाएगा, तो घटाने पे कितना आएगा, 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल लेंगे कितना आ जाएगा, 10, तो अंतर कितना आ जाएगा, 10। इसके बाद अगला सवाल हमारा दिया हुआ है, क्या दिया है, दो अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 44 है, उसके अंकों का योग क्या होगा। जी हाँ, सेम सवाल है, वहाँ अंक दो अंकों की संख्या, यानी एक संख्या और उन संख्या के स्थान पलट दिया जाए, तो जो अंक आता है उन दोनों का योग अगर कितना है, 44 है, तो हमेशा 44 में योगफल में 11 से भाग देंगे तो हमेशा अंकों का योग आ जाता है, किसका आ जाता है, अंकों का योग। तो ये हमारा कितना आंसर, C नंबर।
ये ट्रिक है एक चीज़ से याद रखना, यहाँ पे केवल सेम सवाल रहेगा, केवल यहाँ डिजिट बदल जाएगी, जो भी डिजिट आएगी जो भी संख्या आएगी उसमें हमें 11 से हमेशा भाग देना है, बाकी कोई परिवर्तन सवाल में कहीं भी कुछ नहीं होगा। इसके बाद हमारा आज का लास्ट सवाल दे रखा है कि 10 से लेकर 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाज्य हैं। जी हाँ, 10 तो यानी 10 से लेकर 3 से विभाजित होने वाले, 10 और 1000 के बीच, तो यहाँ पे 10 है, ठीक है, यहाँ पे 1000 हमने लिया। अब बताइए 10 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जो 3 से विभाजित होगी, 10 के बाद ऐसी संख्या क्या होगी, 12 होगी जो 3 से विभाजित होगी, 12 के बाद ऐसी कौन सी संख्या जो 3 से विभाजित होगी, 12 के बाद 15 होगी, इसी प्रकार हम ले लेंगे अंत में। बताइएगा 1000 के पहले ऐसी कौन सी संख्या जो 3 से विभाजित होगी, 999। अब इसे हम प्रथम पद मानते हैं, तो ए बराबर क्या मानेंगे, 12, क्योंकि बीच का लेना है, और अंतिम पद ये होता है एल, एल मानेंगे कितना, 999, ठीक है। अब देखिए इसमें डी कितना है, सार्वांतर निकालते हैं, तो डी 12 से 15 घटाएंगे, तो 15 से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है, यानी इसमें से इसे घटा देंगे 3 आएगा। अब हमारे पास सूत्र होता है कि एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि समांतर श्रेणी में आप लोग कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे और कक्षा 11 में भी पढ़े होंगे। तो एल बराबर आपका कितना दे रखा है, 999 बराबर ए का मान कितना दिया है, 12 दिया है, प्लस एन तो आपको निकालना ही है, गुणते डी का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो ये इधर आएगा 999 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 गुणते 3। अब देखिए इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से 2 कम होगा 7 बचेगा, 9 में से 1 बच 8 बचेगा, ये 9 रहेगा, एन माइनस 1 3 का इधर किसने भाग में आएगा तो 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9, ये 8, तो 3 दुना 6, 3 9 27, और कितना 329 बराबर एन माइनस 1, तो एन बराबर आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 330, कितना आ जाएगा, 330 इसका फाइनल आंसर आएगा।